दोस्तों आज हमारे यत्तु भाई आ गया है महिंद्रा थार की वीडियो बनाने के लिए और ये है इसका कन्वर्टेबल मॉडल। ठीक है, कन्वर्टेबल क्या होता है कि इसमें जो ऊपर की आपकी रूफ रहेगी ये सब कुछ रिमूव हो जाता है, इसके बदले आपको इस तरीके से पूरा कवर मिलेगा, इसे बोलते हैं कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल की एक अलग कहानी है, आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ठीक है, देखो कन्वर्टेबल की कहानी अलग क्या हो गई है कि यहाँ पर जो आपको ऊपर का पूरा पैनल है पूरा का पूरा हट जाता है। ठीक है, अब इसके ना एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। लाइक अगर आपको जंगल सफारी वगैरह करनी है तब तो आपके लिए बड़ी सही चीज है, आपको गेड़िया शेड़िया माननी है, सारे लौंडे लपाटे जितने हैं सबके सब बाहर निकल जाओ मजे करो। अब यहाँ पे बेकार चीज ये बन जाती है जब आप इसको लगा रहते हो, उसके बाद अगर आप कार को थोड़ी तेज स्पीड में हाईवे में यहाँ पे रन करोगे कहीं भी चलाओगे तेज स्पीड में तो वहाँ पे फड़फड़ पड़पड़ के आवाज बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, रैटलिंग नॉइस जो है वो काफी ज्यादा अंदर आती है तो वो एक ड्रॉबैक बन जाता है। फिलहाल बात करने हम इसी कार के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आपने थार बहुत बार देख ली होगी, कुछ चेंजेस हुए हैं ये नए वाले लॉट में, जब से ये लोगों में चेंजेस हुए हैं तो वो सब बताऊंगा आपको मैं और प्राइसिंग जान लेते हैं। तो ये जो कन्वर्टेबल है ये दो मॉडल में आपको देखने को मिलेगा, एक आता है AX और एक आता है इसका LX। अब यहाँ पर जो AX रहेगा वो है बेस मॉडल, उसमें ये आपको पेट्रोल में भी अवेलेबल हो जाता है, डीजल में भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो एलेक्स है अगर आपको पेट्रोल में लेना है तो आपको लेना पड़ेगा ऑटोमेटिक, मतलब कन्वर्टेबल। ठीक है, अगर आपको इसको मैनुअल में चलाना है कन्वर्टेबल को एलेक्स में तो आपको लेना पड़ेगा डीजल में, और ये इसका डीजल वेरिएंट है। चाबी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती है, दो चाबियां मिलेंगी ये इस तरीके से, इसमें आपको लॉक करने का बटन अनलॉक करने का बटन, बाकी फ्लिप की जो कि आपकी यहां पर लग जाएगी, और एक आपको मिल जाता है फॉलो मी होम हेडलैम्प का यहां पर ऑप्शन। सही चीज है, मतलब दबाओगे 10 सेकंड लाइट खुली रहती है, आप आराम से अपनी लिफ्ट वगैरह में चले और फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, सर्च करने में आसानी होती है गाड़ी को। अब करते हैं इसका डोर बंद, साइड से चेकआउट करते हैं। यह है इसका नेपोली ब्लैक कलर और कुछ यहाँ पे नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पर आ गया है कि साइड में आपके जो अलॉय व्हील्स में इस तरीके से महिंद्रा का लोगो है वो डल गया, नया तितली वाला इस तरीके से। ठीक है, और जिसके स्टेफनी का टायर रहता है पीछे यहाँ पर भी आपको नया वाला लोगो देखने को मिलेगा। और अंदर अगर मैं आपको इसका स्टेयरिंग व्हील दिखाता हूँ तो यहाँ भी आपको नया वाला लोगो देखने को मिलेगा, तो पहला चेंज तो ये हो रखा है। फिर अंदर काफी आपको नया चीज देखने को मिलेगी, लाइक यहाँ पर जो बटन थे आपके, कौन कौन से बटन थे, एक था आपका डोर लॉक करने का बटन, फिर ये हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन और ये ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन, ये सब बटन्स पहले आपको यहाँ पर मिलते थे, अब वो सब चीज हटा के कंपनी ने आपके सेंटर कंसोल में ही डाल दी है। दूसरी चीज, इस साइड आपको एक नया बटन देखने को मिल रहा है, वो है आइडियल स्टार स्टॉप बटन, वो भी यहाँ पे कंपनी ने आपको दे दिया, पहले ये नहीं आता था। ठीक है, तो अंदर आपको एक ये चेंज देखने को मिलेगा। एक चेंज और है, वो क्या है, पहले इसमें आपको दो टाइप ए के पोर्ट मिलते थे, एक आपको टाइप ए का पोर्ट यहाँ देखने को मिलता था वो भी कंपनी ने यहाँ से हटा दिया, बस एक टाइप ए का पोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर मैं आपको एक्सटीरियर से दिखाता हूँ, चाबी अंदर ही रख देता हूँ मैं, अगर हम इसको एक्सटीरियर से देखते हैं तो यहाँ पे अब दो कलर डिसकंटिन्यू हो गए हैं, एक आपका जो यहाँ पे कॉपर कलर आता है मिस्टिक कॉपर कलर वो डिसकंटिन्यू हो गया, और एक रॉकी बीच कलर वो भी डिसकंटिन्यू यहाँ पर कर दिया गया है। फ्रंट से अगर हम लुक चेकआउट करते हैं तो फ्रंट का जो लुक है यहाँ पर एज यूजुअल बिल्कुल वैसा ही रखा गया है, महिंद्रा की बैजिंग थार लिखा हुआ, और यहाँ पर भी एक चेंज है, पहले इसका जो बंपर था ये आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलता था, मतलब सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता था, वो चीज भी हटा दी गई है, कंप्लीट तरीके से आपको पूरा ब्लैकआउट देखने को मिलेगा। और फ्रंट से डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से बनती है, यहाँ पर आपको इसके डायल्स देखने को मिलेंगे, हैलोजन रिफ्लेक्टर सेटअप देखने को मिलेगा, और सामने आपको बड़ी सी ग्रिल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब थार की अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर इसका जो अप्रोच एंगल बनता है, और अगर साइड से आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बनेगा 226 mm का, ये इतना जबरदस्त है, इसकी वजह से ही गाड़ी यहाँ पर प्योर एक ऑफ रोडर है। और जिस ये प्राइसिंग में आ रही है, आपको प्राइसिंग क्लियर कर देता हूँ, 14,80,000 रुपए इसका शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड ये समवेयर अराउंड चले आती है 17,50,000 रुपए की। अगर मैं बात करता हूँ इसके हार्ड टॉप वाले की तो वो इससे 10,000 रुपए महंगा है, तो 17.5 लाख रुपए में आपको इसका टॉप मॉडल मिल जाता है, और उसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है ऑफ रोडिंग के लिए जो आपको महंगी से महंगी गाड़ियां भी नहीं दे रही है, वो आपको ये थार दे रही है। सेफ्टी कंसर्निंग पॉइंट आपका रह सकता है, तब भी आप इसमें निश्चिंत रहो, 5 स्टार इसने ग्लोबल एनकैप यहाँ पे रेटिंग निकाल रखी है। ठीक है, तो कुछ लुक इस तरीके से बनेगा। टायर देखो कितने बड़े बड़े इसमें यूज करके कंपनी ने, 18 इंच का आपको इसमें टायर मिल रहा है, और अलॉय व्हील की डिजाइनिंग सही लग रही, काफी अच्छी डिजाइनिंग है यहाँ पे, सीएट का टायर मिलेगा। और इसके अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइलिंग की बात करता हूँ तो इसकी जो प्रोफाइलिंग है वो साइड में यहाँ पे लिख रखी है 65, तो 65 की इसकी प्रोफाइलिंग है, 255 mm का टायर यहाँ पे चौड़ा है, और 18 इंच का इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक खाली फ्रंट में मिलते हैं, पीछे साइड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी सेफ्टी फीचर की बात करता हूँ तो आपको ABS मिलेगा, EBD मिलेगा, ब्रेक असिस्ट मिलेगा, ESP मिलेगा, हिल लोड कंट्रोल मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, इवन TPMS भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जो आपकी ये इस तरीके से ओपन वाली जो थार रहती है, मतलब कि आपकी कन्वर्टेबल थार रहती है, इसमें आप बाहर से ही हर एक चीज यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे पूरा सेक्शन देखो ये कुछ इस तरीके से बनता है, बाकी ग्रैब रेल बार्स आपको बाहर से देखने को मिल जाएंगे। तो इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो आपको मिलता है यहाँ पे को ड्राइवर साइड, इस साइड को, और इसके जो यहाँ पे गेट की ओपनिंग है ये आप अंदर से नहीं कर सकते, आपको चाबी से ही खोलना पड़ेगा। ये 57 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक बनता है, तो बहुत एक बड़ा नंबर है, 57 लीटर का टैंक बहुत एक अच्छा नंबर रहता है।
और माइलेज की बात करता हूँ तो इसमें आप डीजल में निकाल सकते हो मैनुअल में 15 से 16 का माइलेज, अगर बहुत आराम से चलाओगे तो हो सकता है कि 18 19 तक पहुंच जाओ, लेकिन कोई पहुंचता नहीं है। तो 14 से 15 का माइलेज यहाँ पे गाड़ी निकालती है। और इंजन अगर मैं आपको अभी दिखाऊं इसका, इंजन खोलता हूं इसका, और एक हाथ से इंजन पता नहीं मैं खोल पाऊंगा नहीं खोल पाऊंगा, ट्राई करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको मिलता है किस साइड है, किस साइड है, यहाँ पर नीचे साइड है, देखो ये नहीं दिखेगा, दिख रहा है ये है, ठीक है, इसको खोला मैंने और दरवाजा करते हैं बंद। और हर महिंद्रा की कार की तरह जैसे आप इसका बोनट ओपन करो, ये इंडिकेटर जो हैं वो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाते हैं। साइड वाले इंडिकेटर आपको फेंडर में देखने को मिलेंगे, फेंडर काफी बड़ा इसमें देखने को मिलेगा। बाकी जो फ्रंट के इंडिकेटर्स हैं वो आपको नीचे इस साइड देखने को मिलेंगे। और देखें भाई ये नहीं खुलने वाला, खुल गया, ओहो अच्छा खासा हैवी है। और साइड में आपको इस तरीके से लैची मैकेनिज्म मिल जाता है यहाँ पर, ये बहुत सही लुक देता है। और ये हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ नहीं आता, आपको स्टिक से इसको फिट करना पड़ेगा। इंजन की बात करता हूँ तो ये इसका डीजल इंजन है, तो आपको इसमें एमहॉक इंजन देखने को मिलता है 2.2 लीटर का, मतलब कि 2200 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन है 4 सिलेंडर वाला। पावर की बात करता हूं तो 130 की बीएचपी और 300 एनएम का टॉर्क ही गाड़ी आपको निकाल के देती है। अगर आप इसका पेट्रोल इंजन लोगे जो कि एम स्टैलियन वाला आता है, उसमें ये गाड़ी निकालती है 150 की बीएचपी और 300 एनएम का टॉर्क। माइलेज आपको मैंने बता दिया है। बाकी पीछे आपको डैम्पिंग वगैरह मिल जाती है, मिल जाता है। और नीचे से ये शायद पूरी की पूरी ओपन रखी गई है इस तरीके से, ठीक है। कूलेंट आपको यहाँ पे पर्पल कलर का देखने को मिलेगा। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील आता है वो भी आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गाड़ी है ऑफ रोडिंग वाली है, तो आपको ऑफ रोड पैचेस में अगर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है तो आपकी यहाँ पे जो ड्राइव रहता है काफी आपका आसान हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक वाइज से थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है हाइड्रोलिक वाला, उसमें गाड़ी काफी ज्यादा स्टेबल रहती है, ठीक है। अच्छा खासा ये हैवी है, बंद करता हूँ इसे मैं, बस कर दिया इसे हमने बंद। और फ्रंट में इतनी अच्छी खासी स्पेसिंग है, बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं, मजे ले सकते हैं। और जो यहाँ पे नोजल है इस तरीके से एक्सपोज कर रखे हैं, नट बोल्ट आपको यहाँ पे एक्सपोज करवे मिलेंगे। ये डिजाइन होता है देखो इस तरीके से, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और जो डोर है वो झूलता नहीं है, स्टेप डोर आपको देखने को मिलता है इस तरीके से यहाँ पर, फिर भी डिजाइन फॉलो करा है यहाँ पर, तो आपको स्टेप जैसा मिल जाएगा। और लाइट्स जो है इसके अंदर एलईडी में मिल जाती है। स्पीकर्स आपको दो फ्रंट में मिलेंगे, फिर दो ऊपर मिलेंगे, बाकी दो ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं, तो टोटल बन जाता है 6 स्पीकर का सेटअप। और अंदर बैठते हैं, चाबी लगाते हैं इसकी और देखें क्या क्या चीजें यहाँ पर ऑफर करी जा रही हैं। अंदर बैठना काफी ज्यादा आसान है, यहाँ पर आपको जो पूरा इस तरीके से पैड मिल रहा है, इसमें पैड रख के अंदर चढ़ सकते हो, इससे काफी ज्यादा आसान हो जाता है। चाबी लगाते हैं, और चाबी लगाना भी इजी है रात के समय, क्योंकि यहाँ पर एलईडी की लाइट जलती रहती है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये स्वीप करेगा, बाकी यहाँ भी महिंद्रा राइट लिखा हुआ आएगा, वार्निंग आ रही जैसे एडल्ट कंटेंट दिखाएंगे ये लोग। और जैसे ये स्टार्ट होता है तो आपको टायर डायरेक्शन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा कि आपका लेफ्ट साइड है राइट साइड है, और इसमें टायर प्रेशर कितना है, बाकी स्पीड वगैरह शो होगी। अगर आपको ये सब चीजें एडजस्ट करनी है तो उसके बटन यहाँ पर ही दे रखे हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ से दिखाऊं, यहाँ से चेकआउट करो, दिख रहा है ये, अगर आप इसको प्रेस करोगे तब यहाँ पे ढेर सारी चीजें जान सकते हो। और इसके बगल में जो ये एरोज हैं, आप इससे इसकी जो ब्राइटनेस है कम ज्यादा कर सकते हो। बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में, डिसेंट सा है पूरा, मतलब यहाँ पे आपको निडल वाला देखने को मिलेगा इस तरीके से। और अगर मैं बात करता हूँ इंफोटेनमेंट की, तो इसमें आपको मिलती 7 इंच की डिस्प्ले जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। और देखें टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाओ होम पे, आ जाओ भैया, आ गया ये होम पे इस तरीके से, बहुत अच्छा इसका सूदिंग टच रिस्पॉन्स है। यहाँ पे एसी वेंट्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, सेंटर में कार्बन फाइबर का टेक्सचर है, ग्लॉस ब्लैक देखने को मिलेगा, एसी आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। अब अच्छी चीज यही करी यार कि हर एक चीज यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दी, जो कि एक्सेस करना बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बार बार देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चीज सेंटर में दे दी है तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे बटन है, जैसे ट्रैक्शन को ऑफ करने का बटन है, हिल डिसेंट कंट्रोल को ऑन करने का बटन है, और यहाँ से आप डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो। पहले ये बटन आता नहीं था शायद, आप मुझे कंफर्म करके बताना, पहले ये बटन नहीं आता था, हमें नॉर्मली इस तरीके से यहाँ से लॉक अनलॉक करना पड़ता था, लेकिन अब डेडिकेटेड बटन दे दिया है। और 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, रिवर्स आपको नॉब उठा के लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 4x4 का अलग से लीवर मिल जाता है, जिसमें 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल और 4 लो देखने को मिलेगा। काफी लोग के क्वेश्चन रहता है अगर हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं नॉर्मल ड्राइव करेंगे तो ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव आती है रियर व्हील ड्राइव आती है, तो ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव आती है। और इसको मिला के ये बन जाती है ऑल व्हील ड्राइव। फ्रंट के जो विंडोज है आप यहाँ से ऑपरेट करोगे, दो आपको छोटे छोटे कप होल्डर मिल जाएंगे। कहना पड़ेगा कि हाँ कॉम्पिटिशन में गाड़ी और आती है फोर्स गुरखा, उससे इसका इंटीरियर अच्छा लगता है मुझे काफी, हालांकि फोर्स गुरखा भी एक नेक्स्ट लेवल चीज है, लेकिन इंटीरियर के मामले में ये गाड़ी ज्यादा उससे प्रीमियम है। बाकी इजी टू यूज बटन्स मिल जाएंगे, मैनुअल डिमिंग IRVM है। यहाँ साइड देखें तो बड़ा सा पैड मिलेगा स्ट्रैप के साथ, और इस साइड देखें मिरर की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, बाकी इसको ये पकड़ सकते हो। और यहाँ देखें
छोटी सी स्पेसिंग है, इसमें बहुत ही ज्यादा कंजूसी करी गई है, स्पेसिंग देनी चाहिए थी। और अब बात करते सीट की, तो देखो यहाँ पर जो सीट है ड्राइवर और को ड्राइवर वाली, जो ड्राइवर सीट है ये तो आती है हाइट एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन को ड्राइवर वाली सीट जो है बस आगे पीछे, और इसका जो बैक सपोर्ट आगे पीछे कर सकते हो। सीट अच्छी बना रखी है नो डाउट, पूरा आपको यहाँ पे बकेट वाला फील मिल जाता है, लेकिन दिक्कत क्या करिए कि जो यहाँ पे आपका थाई सपोर्ट रहता है, इसकी जो ये लेंथ है ये काफी ज्यादा छोटी रखी गई है, तो आप देख सकते हो मेरे टांग यहाँ से कितनी ज्यादा बाहर आ रही है, तो आपको थाई सपोर्ट उतना मैटर नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये आपको पकड़ के जरूर रखती है। मतलब अगर आप ऐसे हिल डुल रहे हो, आपको मैं यहाँ से चेकआउट कराता हूँ, अगर आप जैसे हिल रहे हो तो ये आपको होल्ड करके रखेगी, इसमें आपको कॉन्फिडेंस पूरा पूरा हमें बने रहता है। और अगर हम यहाँ पे हेडरूम स्पेस वगैरह देखिए, हर चीज अच्छी है, बैक सपोर्ट भी अच्छा है, बस हाई सपोर्ट में थोड़ी कंजूसी यहाँ पे कर रही है। और चीजें दिखाऊं आपको मैं, तो स्टेयरिंग में आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, बाकी एडजस्टमेंट देखें तो सिर्फ आपको टिल्ट वाला मिलता है, यहाँ पे टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, ना ही कि इसमें आपको कुछ लेदर की अपोस्ट्री वगैरह मिलती है, लेदर टच वगैरह देखने को मिलता है। सीट्स जो है ये भी फैब्रिक है, बस आपको हल्का सा यहाँ पे लेदर का टेक्सचर देखने को मिलेगा, लेदर देखने को मिलेगा छोटा सा बस इस तरीके से। यहाँ पर तो खैर ये शायद पूरा लेदर का ही है, लेकिन ये चीज पूरी आपको कंप्लीट फैब्रिक की मिलती है। और इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर जिसको ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप एक्स वेरिएंट पे चले आओ, पैसे भी बचाओगे और उसमें आपको ये क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को नहीं मिलता है। मतलब काम की चीजें ही मिलती है सिर्फ ऑफ रोडिंग वगैरह करने के लिए, और चीजें नहीं मिलती है। अब जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देख लिया उनके लिए मैं एक बोनस एक लीक उनको देता हूं मैं। असल में क्या है कि ये जो गाड़ी है अब ये आने वाली सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ, मतलब ये सब ऑप्शन रहेंगे 4x4 वाले, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव के साथ आएगा, और ये चीज 100% कंफर्म है। तो जिनको थार चाहिए सिर्फ शोबाजी के लिए, उनको मतलब नहीं है 4x4 से, उनको गाड़ी के लुक अच्छे लगते हैं, उनको दुनिया जहां में शो ऑफ करना है, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन आने वाला है, और इसकी प्राइसिंग भी काफी कम होने वाली है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मारुति की जिमनी भी लॉन्च होने वाली है 5 डोर वाली, तो ये भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं। कंफर्म तो है, अब देखो कैसा होता है, जो भी होगा बताऊंगा, लेकिन अगर अच्छी लगी है टिप वगैरह जो भी आपको मैंने दी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। डोर की बात करते हैं, तो डोर अनलॉक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोतल कैरी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, बाकी जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आपके हो जाते हैं। पीछे की सीट में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि हर एक बंदे को पता है जो पीछे की सीट्स हैं वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, होने को 2 एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। और पीछे की सीट का भी हाल वही है कि थाई सपोर्ट उतना बेटर नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग अच्छे से बैठ सकते हैं, अगर आपने साइड में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं लगा एक्सेसरी में, तब जाके यहाँ पे मतलब कोशिश कर करके यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, अदरवाइज 2 ही बैठ सकते हैं, ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, और लगेज रखने की फैसिलिटी नहीं है ज्यादा, तो कुछ इस तरीके से बनता है पीछे का लुक। और फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, तो देखो इसमें मैं क्या फाइनल कंक्लूजन दूं, क्योंकि मैंने तो आज तक ये गाड़ी को कभी ऐसे ऑफ रोड में चलाया नहीं है, तो जिसने चलाया वो ज्यादा अच्छे से दे सकता है, लेकिन जितना मैंने इसका रिव्यू करा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गाड़ी जितनी बाहर से दिखने में अच्छी है उतनी अंदर से भी अच्छी है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं और चीज़ें कम करी हैं। क्या क्या चीज़ें कम करी, 2 कलर कम कर दिए हैं, फ्रंट से जो ड्यूल टोन फिनिशिंग थी वो हटा दी, एक टाइप का पोर्ट यहाँ पे गायब कर दिया है, तो कुछ चीज़ें कम भी यहाँ पर करी हैं। उसके अलावा देखा जाए तो हर एक चीज नॉर्मल ही रख रही है कंपनी ने, बाकी देखो आपकी जरूरत कैसी है, अगर आपको चाहिए ओपन गाड़ी तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एक हार्ड टॉप चाहिए तो फिर आपको हार्ड टॉप में ही जाना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक में भी गाड़ी अवेलेबल है, पेट्रोल में भी अवेलेबल है, डीजल में भी अवेलेबल है, तो महिंद्रा की यही बात मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। एंड करते हैं वीडियो को, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं होगी तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, बाकी भाई आपको मिलेंगे बहुत जल्द ऐसी को नई वीडियो के संग, तब तक जय हिंद जय भारत।